नमस्कार। अगर आप राजस्थान के किसान हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको किसान मित्र ऊर्जा योजना का एक नया अपडेट बताने वाले हैं। किसानों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। हाल ही में शुरू की गई किसान मित्र ऊर्जा योजना, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 9 जून को इसकी घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जैसा कि आपको पता है, सालाना 12,000 रुपये यानी प्रति माह है 1,000 रुपये बिजली बिल माफ़ी दी जाएगी, और अगर 1,000 रुपये से कम का बिजली बिल आता है तो उन्हें बचा हुआ पैसा उनके बैंक खाते में दिया जाएगा या फिर अगले बिल में माइनस कर दिया जाएगा। किसान किस तरीके से किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे आवेदन करना होगा, अन्य कई तरीके के सवाल हैं जो किसानों के मन में हैं, तो वो सारे इस वीडियो में हम आपको आज कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये योजना 9 जून को शुरू की गई है। इस योजना के अंदर जिन किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन हैं, यानी सिंचाई के लिए जिन्होंने बिजली कनेक्शन करवा रखे हैं, उन किसानों का प्रति माह 1,000 रुपए बिजली बिल माफ किया जाएगा। अगर किसी किसान का बिजली बिल 1,000 रुपए से कम आता है तो जितना बिल आया है उतने बिल की राशि काटकर बाकी उसके बैंक खाते में दे दिए जाएंगे, या फिर अगले बिल का भुगतान उसी राशि में से कर दिया जाएगा। तो ये तो होगी योजना की बात। अब बात करते हैं इस योजना का किसान किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, यानी किसानों को किस तरीके से इस योजना का आवेदन करना होगा। तो दोस्तों, आवेदन करने से पहले आपको बता दें कि आपको इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी, वह इसके लिए आपको क्या करना जरूरी होगा, ये चीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ कैसे ले। दोस्तों आपको बता दें, इस योजना के तहत सरकार डायरेक्ट बिजली विभाग से किसानों का डाटा लेगी या फिर ले सकती है, और डायरेक्ट उन्हें इस योजना का लाभ दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान के जितने भी निवासी हैं, उन सबको पता होगा कि राजस्थान में जन आधार कार्ड अनिवार्य है। हर योजना का लाभ लेने के लिए या फिर कोई अन्य लाभ लेने के लिए जन आधार कार्ड अनिवार्य है। तो अगर आपके जन आधार कार्ड के अंदर बैंक खाता संख्या नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़वाएं, और इसके अलावा आप अपने बिजली कनेक्शन का जो बिजली बिल है उसे भी आप अपने जन आधार कार्ड के साथ अटैच करवाएं, और आपके जन आधार कार्ड के अंदर आपका आधार कार्ड भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये जो दस्तावेज है, ये आपको कन्फर्म अटैच कर लेने एक दूसरे से, यानी जन आधार कार्ड से अपने बैंक खाते को भी जुड़वाना और अपने बिजली बिल को भी जुड़वाना है, जो जन आधार कार्ड के अंदर ऑप्शन आता है। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस योजना की जो लिस्ट है, जो किसानों को लाभ मिलेगा उसकी लिस्ट है, वो कहाँ पर जारी की जाएगी, वे किस तरीके से किसान देख पाएंगे। तो आपको बता दें कि इस योजना की लिस्ट है, इस योजना के नहीं बल्कि राजस्थान में जितनी भी योजनाएं हैं, जिन जिन योजनाओं की लिस्ट है वो जन सूचना पोर्टल पर ही जारी की जाती है, और वहाँ से ही किसान बड़ी आसानी से लिस्ट को चेक कर पाते हैं। यानी जन सूचना पोर्टल पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है योजनाओं के लाभार्थी, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे राजस्थान की जितनी भी योजनाएं सी आल स्कीम पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं जितनी भी योजनाएं। तो जैसे इस योजना की लिस्ट जारी होती है तो यहाँ पे उसका नाम जोड़ दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक बिजली बिल से आप लिस्ट चेक कर पाओगे, दूसरा आप अपने क्षेत्र की लिस्ट चेक कर पाओगे। तो बड़ी आसानी से आप चेक कर पाओगे, इसके लिए भी हम आपको आने वाली वीडियो में अपडेट दे देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके लिए जो किसान आवेदन है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल इस योजना को लागू किया गया है, और शायद ही इस योजना के लिए किसानों से आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। हो सकता है डायरेक्ट बिजली विभाग से उन किसानों का डाटा लेकर डायरेक्ट उन्हें लाभ दे अगर आवेदन किए जाएंगे। तो जैसे ही आवेदन शुरू होंगे हम आपको अपडेट जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको बता दें, आप अपने जन आधार कार्ड के अंदर आधार संख्या, बिजली बिल व बैंक खाता है वो जरूर एड करवा लें। और दोस्तों आवेदन के अन्य प्रोसेस के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इस योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज व अन्य जानकारी, लाभ आदि के बारे में जान सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आने वाले ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।